आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कैंपस में। दोस्तों आज हम आपके लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में अंग्रेजों का आगमन द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों कई प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड ये वीडियो। दोस्तों अगर हम बात करें आधुनिक भारतीय इतिहास की, तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्लासी के युद्ध, प्लासी के पूर्व के इतिहास के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत में आई, उसका गठन और ढांचा कैसा था। उसके बाद दोस्तों हम ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों के बीच में संबंध, चाहे वो मुगल शासक रहे हों जैसे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और फर्रुख सियर जैसे, या फिर गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के संबंध, या फिर तमिलनाडु के जो सामंत थे उनके बीच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संबंधों के बारे में इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो में हम ब्रिटिश कंपनी की आयात और निर्यात नीति की, या फिर उनकी जो वस्तुएं थी, किन वस्तुओं का वो आयात करते थे, किन वस्तुओं का निर्यात करते थे, इस वीडियो के माध्यम से एक विस्तृत चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर बात करें भारत का, अंग्रेजों का भारत में आगमन, तो 1578 ईस्वी में सर फ्रांसिस ड्रेक, 1578 ईस्वी में सर फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेजी नाविक ने जो समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने निकला था, उसने लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी थी वहां जाने वाले एक पुर्तगाली जहाज को लूट लिया। इस लूट से उसे कुछ नक्शे मिले और भारत की समृद्धि और आशा अंतरीप की ओर जाने वाले मार्ग का ज्ञान मिला। अब हम दोस्तों बात करते हैं मर्चेंट एडवेंचर्स की, तो उसे पता चला कि भारत एक बहुत समृद्ध स्थल है। ऐसे उसे भारत आने का मार्ग पता चला व्यापारियों के एक समूह जिसे मर्चेंट एडवेंचर्स कहा जाता था, इनके द्वारा 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। 1599 ईस्वी में इनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का गठन और उनके ढांचे के बारे में। तो EIC का गठन दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ उस समय थी, और भारत में अकबर 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासन रहता है दोस्तों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ के शासनकाल में लंदन में हुआ। इस कंपनी को डिजाइन के रूप में एक फरमान द्वारा पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। इस कंपनी का प्रारंभिक नाम दोस्तों और बात करें हम तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट इनटू द ईस्ट, इस कंपनी का प्रारंभिक नाम था। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यह लोकप्रिय हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी जो शेयरधारकों, जिसमें एलिजाबेथ भी एक शेयरधारक थी, से मिलकर बनी हुई थी। कंपनी को चलाने के लिए 24 सदस्यीय दल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे हम कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, और इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था दोस्तों वो गवर्नर होता था। कंपनी को चलाने के लिए 24 सदस्यीय दल, जिसे हम कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था, और इसका सर्वोच्च अधिकारी अगर बात करें दोस्तों तो गवर्नर होता था। गवर्नर को व्यापार करने, संधि करने, युद्ध एवं विस्तार करने की अनुमति दी गई थी। इस दल के अन्य कर्मचारियों को भी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था गवर्नर को। अब दोस्तों अगर देखें ग्राफिकल मोड से ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना कैसी थी, उसकी ढांचा कैसी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों एक निजी कंपनी थी जिसके मालिकानी कॉरपोरेशंस में ये बटे हुए थे। उसमें कई शेयरधारकों के साथ ये कंपनी बनाई गई थी दोस्तों। इसके कुछ वैतनिक अधिकारी होते थे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको कहा जाता था, टोटल होते थे 24 सदस्य उसमें होते थे, एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और 22 सदस्य होते थे। ये कंपनी के चलाने का नियम था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा ढांचा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी एवं स्थानीय शासकों से संबंध। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सर्वप्रथम मुगलों के काल में हुआ। मुगल शासकों ने इन्हें कई सहूलियतें दी जिससे कंपनी ने अनेक फैक्ट्री स्थापित की। अब हम दोस्तों बात करते हैं जहांगीर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संबंध। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के शासनकाल में 1608 ईस्वी में भारत आई। कंपनी का हेक्टर नामक जहाज सर्वप्रथम सूरत आया। दोस्तों कई बार पूछा गया है कि किस जहाज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तो हेक्टर नामक जहाज सर्वप्रथम सूरत आया, और भारत में जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में भारत में आई। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में विलियम्स हॉकिंस ने जहांगीर से आगरा में मुलाकात की। जहांगीर ने उसका स्वागत किया और दोनों ने तुर्की भाषा में बात की। जो विलियम हॉकिंस था वो फारसी का बहुत अच्छा जानकार था। जहांगीर और विलियम हॉकिंस के बीच में दोनों में तुर्की तुर्की भाषा में बातें होती हैं।
जहांगीर द्वारा विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब दिया गया, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के कारण सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की इजाज़त नहीं दी। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं। अतः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री गोलकुंडा राज्य के मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई 1611 ईस्वी में। अभी दोस्तों हम गोलकुंडा राज्य के शासक कुली कुतुब शाह के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे, जब गोलकुंडा राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंध की बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। तो पूछा जाता है दोस्तों 1612 ईस्वी में किस अधिकारी ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। तो 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। और इससे खुश होकर दोस्तों जहांगीर ने क्या किया, 6 फरवरी 1613 को जारी एक शाही फरमान में जहांगीर से की ओर से अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये जो अंग्रेज है ये पुर्तगालियों से कहीं ज़्यादा बलशाली है, इनकी स्क्रिप्ट उनसे भी अच्छी है। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी को सूरत पहुंचा। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को रो यानी कि थॉमस रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। थॉमस रो मुगल दरबार में 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 ईस्वी तक रहा। थॉमस रो मुगल दरबार में 10 जनवरी 1616 ईस्वी से 17 फरवरी 1618 ईस्वी तक मुगल दरबार यानी कि जहांगीर के दरबार में रहा। अब हम दोस्तों बात करते हैं शाहजहां और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संबंध। तो शाहजहां का पुर्तगालियों से कोई अच्छा संबंध नहीं था। इसके कारण क्या थे दोस्तों कि शाहजहां की कुछ दासियों को पुर्तगालियों द्वारा अपहरण कर लिया गया, इसलिए शाहजहां से उसके संबंध काफ़ी ख़राब थे। और उस समय एक पुर्तगालियों के एक लुटेरे के रूप में उस समय विख्यात थे, जिससे उनकी जो छवि थी वो शाहजहां को अच्छी सभी अपने दिखाने में वो प्रकार अच्छा नहीं साबित कर सके। हम दोस्तों बात करते हैं शाहजहां और कंपनी के बारे में एक संबंध कि किस तरह से अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया कि शाहजहां का पुर्तगालियों से संबंध अच्छा नहीं था। इसका अंग्रेजों ने बहुत फ़ायदा उठाया। शाहजहां के आदेशों से उन्होंने पूर्वी तट पर कई सारी फैक्ट्रियों की स्थापना की, जैसे दोस्तों बालासोर उड़ीसा में फैक्ट्री की स्थापना की, हुगली जो बंगाल की पहली फैक्ट्री थी की स्थापना की शाहजहां के ही शासनकाल में अंग्रेजों ने, हरिहरपुर में फैक्ट्री की स्थापना की जो कि बंगाल में स्थित है दोस्तों, पटना में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की, कासिम बाजार जो कि बंगाल में स्थित है, अंग्रेजों ने शाहजहां के ही शासनकाल में फैक्ट्री की स्थापना की। शाहजहां के बंगाल के शासक बंगाल के गवर्नर शाहजहां के बंगाल के गवर्नर शाहजहां ने 300 वार्षिक पाउंड के बदले कंपनी को एक वर्ष के लिए मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। अब हम बात करते हैं दोस्तों औरंगजेब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संबंध के बारे में। तो औरंगजेब से इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, प्रारंभिक संबंध जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे। औरंगजेब को शिकायत मिली थी कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो भारतीय व्यापारियों को परेशान करते हैं और उनको चुंगी नहीं देते। अतः 1688 ईस्वी में उसने फरमान जारी किया, यानी कि औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि कंपनी की सुविधाएँ रद्द कर दी जाएँ, फैक्ट्रियाँ सीज कर दी जाएँ। इस पर कंपनी ने क्षमा याचना की, जुर्माना लेकर उन्हें माफ़ कर दिया गया। 1698 ईस्वी में कंपनी के लिए एक बड़ा अवसर सृजित होता है, जब बंगाल के औरंगजेब के गवर्नर अजी मुसान ने कंपनी को 3 गांव सुतानाटी, गोविंदपुर और कोलकाता की जिम्मेदारी प्रदान की, यानी कि भू राजस्व वसूली की जिम्मेदारी प्रदान की गई कंपनी को अजी मुसान द्वारा, 3 गांव सुतानाटी, गोविंदपुर और कोलकाता की। कंपनी को कलकत्ता, गोविंदपुर और सुतनाटी गांव की जिम्मेदारी इब्राहिम खां से मिली। तो दोस्तों किससे मिली जिम्मेदारी कंपनी को, इब्राहिम खां से कलकत्ता, गोविंदपुरी और सुतनाटी गांव की जिम्मेदारी। इन्हीं तीनों गांव को मिलाकर कंपनी ने किलाबंदी किया 1700 ईस्वी में, जिसे फोर्ट विलियम कहा गया। सुतनाटी, गोविंदपुर, कलकत्ता गांव को ही मिलाकर 1700 ईस्वी में कंपनी ने किलाबंदी किया, जिसे बाद में फोर्ट विलियम कहा गया और इसी को कलकत्ता बाद में कहा गया। और यहीं से दोस्तों अंग्रेजों का एक स्क्रिप्ट जो होता है तैयार होता है प्लासी के युद्ध के लिए, वो अपनी पूरी भूमिका यहीं से बनाना स्टार्ट कर देते हैं कोलकाता की स्थापना से ही। आगे यही कोलकाता शहर बना, अंग्रेजों का महत्वपूर्ण नियंत्रणकारी केंद्र बना। बाद में यही शहर अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण नियंत्रणकारी केंद्र बनता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर मुगल शासक फर्रुख सियर और कंपनी के बीच संबंध की। तो 1717 ईस्वी में अंग्रेजों का एक दूत मंडल सर जानमन
जॉन सरमन के नेतृत्व में फर्रुख सियर से मिलने आया 1717 ईस्वी में अंग्रेजों का एक दूत मंडल। इस दल के एक डॉक्टर हैमिल्टन ने बादशाह के एक गंभीर बीमारी की इलाज कर दी, जिससे बादशाह फर्रुख सियर खुश हो गए। उसने कंपनी को कई सारी सहूलतें प्रदान की, जिसे फर्रुख सियर का फरमान कहा जाता है और इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फर्रुख सियर के फरमानों की बातें को अगर देखें हम, तो फर्रुख सियर के फरमान की तीन मुख्य बातें थी दोस्तों। 3,000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। दस्तक यानी कि फ्री पास अधिकार दिया गया। कंपनी के मुंबई टकसाल के सिक्कों को मुगल भारत में चलाने की अनुमति दे दी गई। फर्रुख सियर के ही फरमान को दोस्तों कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गोलकुंडा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के संबंध की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम फैक्ट्री गोलकुंडा राज्य के कुली कुतुब शाह के आदेश से मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित हुई। ईस्वी में गोलकुंडा के ही शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह के आदेश से 500 पैडोगा। दोस्तों कभी कभी स्पेसिफिक वर्ड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसका मींस क्या है, तो पैडोगा जो है दोस्तों उसका मतलब है स्वर्ण मुद्राएं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह की आदेश से 500 पैडोगा यानी कि स्वर्ण मुद्राओं के बदले एक वर्ष की मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों वांडीवास और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच के संबंध की। तो आज के तमिलनाडु में स्थानीय जो सामंत थे वो 1639 ईस्वी में मदुरापुरम नामक स्थान की किलाबंदी करने की इजाज़त प्रदान की। इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। बाद में यही शहर मद्रास बनता है। सन 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज किले की स्थापना की गई। 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बन गया। दोस्तों मद्रास शहर में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने नगर पालिका एवं मेयर बोर्डों की स्थापना की 1687 में। अब दोस्तों हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक आयात निर्यात। तो कंपनी सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, अफीम, सोरा, मसाले, हाथी दांत की वस्तुएं, धातुओं की वस्तुएं, मोती आदि का निर्यात करती थी। इसी तरीके से दोस्तों कंपनी सोना, चांदी, ताला, शराब और तेल का आयात करती थी। तो ये थी दोस्तों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आधुनिक भारतीय इतिहास का, द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो की पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की दे दी जाएगी। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी इस वीडियो की लिंक आपको दे दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों।